आरोग्य जागृति। दर्शकों, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नशा मुक्ति। नशा मुक्ति पे जो महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में स्कूल हो या फिर ग्रामीण सरपंच के पंचायत हो, वहां पे जाकर शेख मुख्तार जो काफी अच्छा उनका मार्गदर्शन रहा है और वो काफी घर घर जाकर भी उसका अवेयरनेस कर रहे हैं। आज उन्हीं से जानेंगे नशा मुक्ति के बारे में, किस तरह अपन इससे बच सकते हैं और नशा मुक्ति के क्या क्या वजह हो सकते हैं। मुख्तार भाई, आपका आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। मुख्तार भाई, बताइएगा कि आज नशा मुक्ति के इसमें नव पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी जो ज्यादा उसमें मतलब व्यस्त हो रही है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर अफसर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आरोग्य जागृति में बुलाकर मुझे स्टेज प्रदान किया। जैसे कि आपने पूछा कि नशाबंदी का क्या है, मेरा परिचय पहले देना चाहूँगा। मेरा नाम शेख मुख्तार, मैं महाराष्ट्र नशाबंदी मंडल महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिले का संगठक हूँ। हमारी पूरी टीम पूरा महाराष्ट्र में काम करती है, उसमें औरंगाबाद में मैं काम करता हूँ। असल में हमारा काम यह है कि औरंगाबाद शहर में जो नशा करते हैं, मतलब नशा सिर्फ दारू का ही नशा नहीं होता है, जैसा कि आम जबान में जो है तो गोली वगैरह कहते हैं और जो जनरल जबान में बात होती है वो है बटन। बटन का एक होता है, दारू का एक नशा होता है, सिगरेट का एक नशा होता है, गांजे का एक नशा होता है, चरस का, ब्राउन शुगर का, अलग अलग तरीके के नशा होते हैं। अभी हमने देखा औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत सारे मर्डर्स हुए, आपने टीवी भी देखा होगा। कल ही एक मर्डर हुआ जो 2 लोगों ने मिलकर एक को मार दिया। हमने सुना कि वो मर्डर भी जो है तो गोलियां खाने बटन खाने की वजह से हुआ। अच्छा, हमने कटकर गेट में और बहुत सारे जगह देखे जो जहाँ पे मर्डर हुए सिर्फ गोली खाने की वजह से। तो ये जो नशे का प्रमाण है ये औरंगाबाद शहर में, औरंगाबाद जिले में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पूरे महाराष्ट्र में ही है। उसमें से हम प्रमुख पकड़ते हैं दारू को, लेकिन दारू के साथ दूसरे भी नशा होते हैं। जैसा कि अभी आपने हमने सतीश वानखेड़े जी को सुना कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि तंबाकू के व्यसन से उसके साथ में जो सिगरेट में डाल के पिया था गांजा चरस, ये भी एक व्यसन होता है। इसने हमने देखा है कि जब तंबाकू का व्यसन से हमने देखा है कि पूरे अगर रोज डेली 3,500 लोग मरते हैं, यानी कि एक महसूल का गांव वो गांव होता है जहां पे जिला परिषद या ग्राम पंचायत होती है, ऐसा महसूल का गांव, वो महसूल का गांव पूरा रोज एक मरता है, ये है तंबाकू खाने से। और इससे ज्यादा नुकसान अगर हो रहा था दारू पीने से हो रहा है। हमने देखा दारू अलग अलग किस्म की होती है, जिसमें से बहुत दारी कच्ची दारू भी रहती है जिसे पीने के बाद में बहुत सारे लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। इसके अंदर हमने देखा है कि छोटे छोटे मतलब के जिसकी शादी को 2-3 साल हो गए उनका भी शोहर मर गया, क्योंकि शोहर मरने के बाद मरता इसलिए है कि जब वो दारू पीने का उसको व्यसन लगता है तो उसके पास उधारी होती है, इधर उधर से मन कर पैसे दारू पीता है और घर में जो है तो बहुत तंगी के हालात होते हैं। हमने परसों पेपर में पढ़ा कि दोनों मियां तंगी के हालात देखकर घर पे रोज मंगने आने वाले थे, लोग आ रहे थे, बढ़ रहे थे, इसलिए उस लेडी ने जो है तो अपने आप पे रॉकेट डाल के खुद सिलक गई और साथ में उसका शोहर भी सिलक गया, एक छोटा बच्चा जो है तो 5 साल का वो यतीम हो गया। सर, अभी मेरे को इतना बताइए, नशा मुक्त जो लोग बढ़ रहे हैं, नशे के आहार में ज्यादा जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है सर? या बेरोजगारी हो सकती है, या फिर आर्थिक जो भी बोला है आपने, या फिर काम धंधा न करते हुए, या फिर मतलब जो बैड हैबिट रात में जगना वगैरह, इसकी वजह से नशा बढ़ रही है? देखिए, नशा और व्यसन जो है ये एक मानसिक रोग है। ये मानसिक रोग जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो उसका जो स्टेरॉइड कुछ ऐसा एक वो है केमिकल है जो कम हो जाता है, वो बढ़ने के लिए जो है तो वो सिगरेट वगैरह पीता है, और जब सिगरेट से वो कम नहीं होता है, मतलब वो जब डिप्रेशन में जाता है तो डिप्रेशन में जाने के बाद उसको लगता है कि मुझे कहाँ सुकून मिलेगा, तो सुकून के लिए पहले सिगरेट से चालू करता है, जब सिगरेट से उसका नशा नहीं जाता फिर बाद में वो जो है तो गांजा पीता है, और बाद में इससे नशा उसको सुकून नहीं मिलता है दिमाग को, तो वो है तो दारू की तरफ बढ़ते चल जाता है। और डिप्रेशन असल इसकी वजह है, जो फिर बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन हो, जैसा हमने कोरोना काल में सुना है, जो हमने देखा है कि कोरोना काल में बहुत ज्यादा डिप्रेशन के मरीज बढ़ गए और बहुत ज्यादा दारू और व्यसन के मरीज भी बढ़ गए। सर, अभी नशा जो बोल रहे हैं अपन, जैसे दारू बोलते हैं, लेकिन काफी लोगों का बोलना ऐसा है कि मैं तो शौक के लिए पीता हूँ, फिर नशा का आहार में मतलब आहार ही कैसा जाता, मतलब उसको आदत कैसी लग जाती है? कैसा होता है सब, एक पहले शौक बोल के लोग चालू करते हैं इसको, जैसे दोस्ताना होता है, चार दोस्त रहते हैं, चार जाके बैठते हैं, पहले वो बियर से चालू करते हैं, बियर में थोड़ा सा अल्कोहल होता है, 9% 10% अल्कोहल होता है, धीरे धीरे बाद में वो अपने बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना चालू करती है, तो बाद में उसको उस चीज में मजा नहीं आता, मतलब नशा नहीं चढ़ता, बाद में धीरे धीरे वो उसको जो इंग्लिश दारू होती है जैसा कि
दूसरे जो दारू होते हैं ट्रांसफर होता है, बाद में धीरे धीरे वो जो है तो बाद में देशी दारू की तरफ आता है। देशी दारू की तरफ आता है उसकी पूरी बॉडी जो है तो उसको काम करना बंद कर देती है, थकना, हलना, दिमाग में स्राव, रक्त स्राव होना, किडनी खराब होना, ऐसा और बहुत सारी बीमारियां उसको लग जाती है इसके अंदर। सर जैसे आपने बताया कि दारू से दारू एक नशा हो जाती है, लेकिन नवयुवक जो है काफी लोग ऐसा बताते हैं कि हम टाइम पास तो करते हैं, टाइम नहीं मेरे पास बहुत टाइम है इसलिए मैं दारू पीता हूँ क्योंकि मैं रिलैक्स हो जाऊँ, इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं? नहीं मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आप, क्योंकि रिलैक्स आदमी का रिलैक्सिंग का मानता है आदमी जब वो दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा सोचने लगता है, उसको क्या लगता है कि भाई मैं ये दारू पीऊंगा या ये बियर पीऊंगा तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, मेरे को थोड़ा सुकून मिलेगा, मानसिक तौर पे सुकून, वो बहुत मानसिक तौर पे हो सकता है, वो घर से परेशान हो सकता है उसको नौकरी ना हो इसलिए परेशान हो सकता है उसको और बर्डन हो, ये बर्डन से वो मानसिक से दबते चल जाता है, उसको उस दब से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बाहर निकालने के लिए वो जो है तो स्टार्ट में जो है तो बियर से चालू करता है, लेकिन बाद में कुछ वक्त में जो गुजरते गुजर जाता है जब उसकी बॉडी उस दारू बियर को रिस्पॉन्स करती है उसकी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको किक और नशा जिस होता है वो नहीं मिलता, इसलिए धीरे धीरे जो देशी दारू में जाकर अपने आप को खत्म कर देता है। सर अभी हमने देखा कि काफी जैसा भी ग्रेजुएट होके आईपीएससी जो भी इसका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको थोड़ा सा मतलब अपेश आता है, तो ऐसे इसमें नशा के इसमें ज्यादा ये जाता है क्या, क्या लगता है प्रेशर की वजह से? प्रेशर जैसे पढ़ाई में तो कर रहा हूँ, मेरे माता पिता मेरे पे पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मैं पास हो नहीं सक रहा और वो मैं हासिल नहीं कर पा रहा, इसका भी कोई ऐसा इसकी वजह मैं ये समझता हूँ, ठीक है वो तो नशे में आ जाता हूँ, लेकिन मैं मेरे आपके चैनल के माध्यम से जो माँ बाप है उनको एक राय देना चाहूंगा कि पहले आप बच्चे का आईक्यू चेक कीजिए, बच्चे क्या बनना चाहता है उस बच्चे का इंटरेस्ट देखिए, लेकिन अगर आप उस पर कुछ थोपते हो मतलब कि वो बच्चे का आईक्यू कम है और बच्चा ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता है और बच्चे को बोलते हैं आप मेरे तमन्ना है कि आप कलेक्टर बनना, आप तहसीलदार बनना, आप SDM बनना, वो नहीं बन पाता है, वो जब वो देखता है कि मैं मेरे माँ बाप इतने पैसे खर्चा कर रहा हूं मेरे माँ बाप की तमन्नाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो वो माँ बाप का प्रेशर, समाज का प्रेशर और वो किताबों का प्रेशर वो सब देखे, वो प्रेशर से दूर होने के लिए हल्लू हल्लू जो है वहां पर बढ़ते जाता है, लेकिन इसकी तादाद बहुत कम रहती है। सर अभी जैसे हर समाज में देखा कुछ तबका है कि जो नशे के इसमें मतलब मशगूल है, कुछ तबका है, तो उस तबके को किस तरह हम हैंडल करना चाहिए और किस तरह इनकी नशा छूटे, इसके लिए अपन ने समाज के हर समाज में, मैं ये नहीं बता रहा कि भाई एक ही समाज, हर समाज में एक तबका है जो नशा करता है, तो वो नशा को मुक्त करने के लिए अपने समाज ने क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो इसके लिए जो है तो सब सोशल एक्टिविटीज जो है समाज के हित में जो काम करने वाले और आपके जैसे जो चैनल है जो कि आरोग्य पे खास तौर से काम करते हैं उस चैनल को साथ में लेकर जन जागृति करना चाहिए। हमको पता होता है, पूरे समाज को पता होता है कि वो लड़के कहाँ बैठते हैं, कहाँ ये चौरस्ते पे वो चौरस्ते पे वहां पर बैठते, तो वहां जाके उनकी काउंसिलिंग करना चाहिए, उनकी जन जागृति करना चाहिए, क्योंकि ये नशा छूटने वाली चीज है अगर हम इस पे मुसलसल अगर काम करें, अगर हम जाके उनको समझाएं तो समाज समझता है, लेकिन होता ही है कि वो हम एक बात ये करते हैं अरे जाने दो वो तो बटन ही लेता है, अरे जाने दो वो दारू ही पीता है, ऐसा नहीं, अगर हम उनके प्यार से मोहब्बत से अगर हम किसी के पास चले जाए और समझा के बात करें तो आप जन जागृति करें तो यकीन जानिए वो लोग हमारे तरफ वापिस मुख्य धारा में आ जाएंगे। सर जैसे आपने नशा पे काम करें काफी अच्छा है, आपको हमारी तरफ से शुभेच्छा है। सर इनको इतना बता दीजिएगा कि हर वार्ड में नशा होता है, जैसा बताया कि हर एक को पता चलता है वो बच्चा नशा करता है, तो इसलिए अगर मुस्लिम का है तो हिंदू ने बात करना चाहिए, हिंदू का है तो मुस्लिम ने बात करिए, जो समाज जो अपने घटक है कि अगर सब एक जगह आकर उस बच्चे को सुधारने में अगर अपना वक्त लगाते हैं जैसा आप भी काम करते हो, तो हर एरिया में एक काउंसिलिंग सेंटर मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनको काउंसिलिंग किस तरह किया जाए, हर रोज वहाँ पे एक क्लास हो क्या, वहाँ पे जो भी बच्चे हैं तो वहाँ पे उनको कुछ तो इनको रोजगार मिले, जैसे अभी नशा पे जा रहे हैं तो उनके लिए रोजगार भी मिलना चाहिए, ये सब काउंसिलिंग सेंटर बनना चाहिए, आपकी क्या राय? बिल्कुल हर वार्ड में हर एरिया के अंदर, मैं तो महानगर पालिका आपके माध्यम से महानगर पालिका रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर भी एक छोटा सा उनकी जहां पे उनका सभागृह होगा, हर वार्ड के हर जगह पर किसी न किसी के नीचे सभागृह बनाए, उस सभागृह के अंदर एक व्यसन मुक्ति का केंद्र बनाया जाए, वहां पर एक काउंसिलिंग रखी जाए। मैं आपको एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो वालिद घर में रहते हैं जी, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बराए मेहरबानी अपने बच्चों के हाथ से, मैंने देखा मेरे आंखों से हमारे 10-12 साल के बच्चे के हाथ से लड़के लोग क्वार्टर मंगाते हैं, 4-5 साल के बच्चे के हाथ से लोग पूड़ी मंगाते हैं, बार मंगाते हैं। एक चीज मैं आपको
शेयर करना चाहूंगा। जब हम ट्रेनिंग में गए थे हमने देखा कि मुंबई के अंदर एक 12 साल की बच्ची जो है तो उसको जो है तो मुंह का कैंसर हो गया। तो जब रिसर्च हुआ कि इसको इतनी छोटी बच्ची को कैसा कैंसर हुआ तो पता ये चला कि उसके वालिद जो है तो उसको जो है तो बार लाने के लिए भेजते थे, बार यानी गुटखा, तंबाकू मुक्त गुटखा लाने के भेजते थे। वो खाने के बाद वो जो बच्ची जो है तो बच्ची बोली मेरे, क्योंकि बच्चे है उनका माइंड रहता है कि मेरा बाप मेरे से बड़े जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे होंगे और अच्छी चीजें खा रहे होंगे। तो वो उन्हें जो है तो वो तंबाकू का एक आज पहले दिन लाई तो उसने गुटखा एक सुपारी का टुकड़ा खाया, तंबाकू विशेष उम्र का, बाद में दूसरा खाया, बाद में तीसरा खाया, बाद में पांचवा खाया और ऐसा खाते खाते उसको साल गुजर गया। बाप उससे रोज मंगाते गए और उस खाते गए, बाद में पता चला कि उसको जो है तो कैंसर हो गया है यहाँ का गाल का और वो गाल उसका निकाल गया। तो मैं आपके माध्यम से जितने वालिद है बच्चे छोटे बच्चों को अपने ना भेजे, क्या बोलते हैं बच्चों को अपने दुकानों पर कोड़ी वोड़ी लाने ना भेजे, जो थोड़े बड़े हैं वो दारू लाने भी ना भेजे ताकि आने वाली अपनी पीढ़ी संभल के रहे। देखा दर्शकों, श्री गुप्ता साहब ने काफी अच्छा हमें नशा मुक्ति के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी है और उनके माध्यम से कुछ महानगर पालिका हो या शासन को हो कुछ उन्होंने टिप्स भी दिए है। टिप्स यानी हम उसको अगर हम ही खुद इम्प्लीमेंट करते तो प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमारे बच्चों का करियर, जैसा उन्होंने बताया कि हमारे माध्यम से ही मंगाया जाता है बच्चों को जो आदत लगती है, हम अगर नहीं खाते हैं अगर हम ही अपना खुद का प्रोटेक्शन करें तो बच्चे भी शायद अपना अनुकरण करेंगे और वो भी चाहेंगे कि मेरे बाप तो एकदम क्लीन है मैं क्यों खाऊं। और उसके अगर उसके बाजू में कोई खाता है तो वो भी उसको बच्चे को रोक सकता है कि देख बेटा वो नहीं खाना चाहिए। तो ये हम दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ टिप्स दिया है हम उस पर इम्प्लीमेंट करें और इसी तरह हम हर हमेशा, और आपके पास भी कोई जानकारी है तो हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद। आरोग्य जागृति।